नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग दंड शास्त्र का अर्थ, परिभाषा और दंड शास्त्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दंड शास्त्र अंग्रेजी शब्द पेनोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। पेनोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है दंड की व्याख्या करने वाला शास्त्र या विज्ञान। क्या है? दंड की व्याख्या करने वाला शास्त्र या विज्ञान। अब देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दंड प्लस शास्त्र, पनिशमेंट और साइंस, पनिशमेंट प्लस साइंस और नॉलेज। तो इसको दंड का विज्ञान, साइंस ऑफ पनिशमेंट भी कहते हैं। दंड शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत दंड की विधियों, सिद्धांतों, महत्व तथा भिन्नताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए अब कुछ दंड शास्त्र की परिभाषाओं को देखते हैं और समझते हैं। पहला परिभाषा जो है स्टट्समैन का है, उन्होंने बताया है कि दंड शास्त्र का अर्थ दंड का विज्ञान, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निरूपण करते हुए इसे अपराधियों को सुधारने की समस्या का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहेंगे। और दूसरा परिभाषा है लाइबर के अनुसार, इन्होंने बताया कि दंड शास्त्र अपराध शास्त्र की वह शाखा है जो अपना संबंध अपराधी को दंड देने से रखती है अथवा उसे रखना चाहिए। द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस विच ऑक्यूपाई इट सेल्फ और टॉक टू डू सो विज द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल। तीसरा परिभाषा फेयरचाइल्ड के अनुसार है, इन्होंने बताया कि दंड शास्त्र व्यवहारिक समाज शास्त्र की वह शाखा है जो अपराधी की दंड प्रणाली और सिद्धांतों का विवेचना करती है। डैटफील्ड ऑफ अप्लाइड सोशोलॉजी विच डील्स विद द थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम। चौथा परिभाषा है पीके सेन के अनुसार है, इन्होंने बताया है कि उन मौलिक सिद्धांतों को विधान कहा जाता है जो राज्य को अथवा प्रभुसत्ता को अपने दंड की योजना बनाने में पथ प्रदर्शन करते हैं। टू ले डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स that should guide the state or the sovereign authority in forming its scheme of punishment। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड शास्त्र अपराध शास्त्र की वह शाखा है जिसमें दंड की व्याख्या की जाती है, अर्थात जिसमें अपराधी को दंड देने एवं उसका सुधार करने पर बल दिया जाता है। तो ये थी परिभाषा। अब आइए दंड शास्त्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता है, दंड शास्त्र ज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह मानव ज्ञान की शाखा है। दंड शास्त्र अन्य शाखाओं की तरह मानव ज्ञान की शाखा है। दूसरा, दंड शास्त्र दंड के सिद्धांतों और विधियों का विज्ञान है। दंड के सिद्धांतों और विधियों का विज्ञान है। तीसरा, दंड विधान पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न होता है। चौथा, दंड अपराध के उपचार की एक पद्धति है। और पांचवा है, दंड शास्त्र सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए निर्माणक विधियां प्रस्तुत करता है। और छठा है, दंड शास्त्र के अंतर्गत सुधारात्मक संस्थाएं व उत्तर संरक्षण सेवाएं भी आती हैं। तो ये थी दंड शास्त्र की कुछ परिभाषाएं और विशेषताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।